मंगळवारी कामठी नगर परिषद पटांगणात अनोखे चित्र बघायला मिळाले. फेरीवाले चक्क आपल्या मागण्यांसाठी नगर परिषद येथे आपले ठेले घेऊन पोहोचले. सविस्तर बातमी अशी की हे फेरीवाले गेल्या कित्येक वर्षांपासून फळ विक्रीचे दुकान रस्त्याच्या काठी लावायचे, मात्र काही दिवसांपासून पोलिसांकडून रोज 200 रुपयांचा दंड आकारण्यात येत होता. म्हणून MIM अध्यक्ष शकीर अहमद यांच्या नेतृत्वाखाली सगळ्या फेरीवाल्यांकडून स्थायी हॉकर्स झोन उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. 250 से 300 रुपये कमाता है, 400, 200, 300 का रोज अगर वो चालान भरेगा तो बाल बच्चों को खिलाएगा क्या अपने? इसी वजह से ये यहाँ पे मोर्चा लेकर आए हैं कि हमारा कोई रास्ता निकाले वहाँ पे. जैसे हमारे सकीब भाई ने बोले है मातोश्री से गोल टाकिस चौक तक के हमको ये हॉकर जोन डिक्लेयर कर दिया जाए, ताकि हमको थोड़ी बहुत सुविधा हो जाए. हम 4 आने 1 रुपया जब से देते थे, जब से वहाँ पे दुकान लगा रहे, आज 10 रुपया हमारा ठेले का लेके जाता है ठेकेदार. एक ठेले का, एक छोटी दुकान का 10 रुपये, और छोटे से बड़े जो कर लो एक ठेला तो उसको 20 रुपये लेके जाता है. और हम लोग जब 4 आने 8 आने देते थे, जब से दुकान लगा रहे हैं वहाँ पे. बस यही एक हमारी समस्या है, उसके लिए जोन की डिमांड की जा रही है. ठीक है, कामटी में जो व्यवसाय की मैं बात करूँ अगर से, ठीक है, तो व्यवसाय कामटी में कुछ नहीं है. देर इज़ नो एम्प्लॉयमेंट इन कामटी. कोई कंपनी नहीं है, छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं है. लोग अपना गुजर बसर करते हैं फल फ्रूट बेचकर, मेजोरिटी ऑफ द पीपल. तो यहाँ हॉकर जोन ही नहीं है. इसकी डिमांड को लेकर हम जो है नगर परिषद आए थे, क्योंकि पिछले 3 महीने से प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है फेरी वालों पर, उनको चालान बनाया जा रहा है. तो कल हम जो है पूरे ठेले लेकर पहुंच गए नगर परिषद. तो हमको कल बोला गया, कल CO साहब थे नहीं, हमको बोला गया आज 2:30 बजे आप आइए. तो आज हमारी मीटिंग 2:30 बजे नगर परिषद में CO साहब से. हमने उनको ये रिक्वेस्ट किया, ये डिमांड किया है रादर, कि एक रोड को पूरा हॉकर जोन रोड डिक्लेयर किया जाए. इट इज़ अ राइट ऑफ नगर परिषद, इट इज़ अ राइट ऑफ जनरल बॉडी नगर परिषद की, कि वो ये कर सकती है. एक रोड को अल्टरनेट करना इनका राइट है. तो हमने रिक्वेस्ट किया कि मातोश्री होंडा से लेकर गोयल टाकिस चौक तक हॉकर जोन डिक्लेयर किया जाए, सुबह 10 से रात के 10 तक वहाँ पर बोर्ड लगाया जाए कि 4-व्हीलर व्हीकल अलाउड नहीं है, और वहाँ हॉकर जोन डिक्लेयर किया जाए. हमारी बेसिक डिमांड थी, जिसके लिए हम आज आए थे. संविधान का आर्टिकल 19G1 के तहत कोई भी इंसान को अपना खुद का व्यवसाय चुनने की, करने की खुली आज़ादी है, अगर से वो लीगल है तो. ये तो लीगल काम है ना साहब. तो ये काम कर रहे थे लोग, रोड पर लगा रहे थे, अतिक्रमण था हिसाब से पुलिस द्वारा. सो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि अतिक्रमण कर रहे हैं. तो मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से, कि क्या एक ही रोड पर अतिक्रमण है कामटी में? तो ये अतिक्रमण का बोल के इनके ऊपर कार्रवाई हो रही थी, चालान हो रहा था 200 रुपये का. तो हम वो भी रिक्वेस्ट करेंगे साहब से कि थोड़ा सा आप बंद करें. वो पुलिस अलग कार्रवाई कर रही है.